आम चुनाव के पहले चरण का मतदान अब बेहद करीब है। 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पीछे नहीं। इसी सिलसिले में आज राहुल हरियाणा के दौरे पर निकले, जहां कई रैलियों को संबोधित कर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, साथ ही अपनी न्याय स्कीम का भी बखान किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पहुंचे, जहां रैली को संबोधित कर उन्होंने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई वार किए। यमुनानगर की रैली में राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं केवल नफरत फैलाते हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा आपको प्यार दिया। राहुल ने कहा कि हमारी सरकार ने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया, जबकि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए क्या कुछ नहीं किया। राहुल ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन किसी के खाते में नहीं आए। सिर्फ अनिल अंबानी, विजय माल्या समेत 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, लेकिन हम गरीबों के लिए अब ऐसी स्कीम ला रहे हैं जिससे गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर हम न्यूनतम आय योजना को लागू करेंगे, जिसके तहत हर गरीब परिवार को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना ने पीएम मोदी को हिलाकर रख दिया है। न्याय स्कीम के साथ राहुल ने पीएम मोदी को घेरने के लिए एक बार फिर चौकीदार चोर है का नारा लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के सब लोग ईमानदार हैं। पीएम मोदी जी, आप चौकीदार बनना चाहते थे, सबको चौकीदार मत बनाओ, क्योंकि देश का चौकीदार तो चोर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।